उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल संचय जीवन संचय अभियान की शुरुआत जनपद में की गई। बता दें कि कार्यक्रम में बांदा डीएम अनुराग पटेल व जनपद के तमाम आला अधिकारियों ने अलग अलग तालाबों को गोद लेकर उनके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। वहीं तालाबों व नदियों की साफ सफाई व सुंदरीकरण के साथ ही अतिक्रमण को हटाकर तालाबों व नदियों में साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिससे जल स्थल ठीक रहे और उस पानी का उपयोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए कर सके। जनपद में 76 अधिकारियों ने 76 स्थानों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सर, आज किस तरह का आपके द्वारा शुभारंभ किया गया? आज विश्व अर्थ दिवस है। इस उपलक्ष्य में जनपद में 76 अधिकारियों के द्वारा एक एक तालाब को गोद लेकर के उनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में मवई बुजुर्ग में आज तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तालाब में पानी संचित रहे और ग्राउंड वाटर लेवल वाटर ठीक रहे और गांव के लोग सामान्य जो दिनचर्या के लिए उपयोग करते हैं पानी, इसका इतना स्वच्छ हो कि लोग इसका इस्तेमाल करें।